हांडिया में देवउठनी 11 के पर्व पर बाजारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। वहीं कुछ लोग अब से लंबे अंतराल के बाद शादी के शुभ मांगलिक कार्यों में जुट गए हैं। इसी क्रम में ब्रह्मचारी महाराज रामदास शास्त्री ने बताया, देवउठनी एकादशी सनातन परंपरा का एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। यह त्यौहार हिंदू कार्तिक मास की एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष को शुरू होता है। वहीं भगवान विष्णु के निंद्रा से जगने के उपलक्ष्य में उनकी पूजा की जाती है और घरों में दिए जलाए जाते हैं। 4 महीना पहले आषाढ़ शुक्ल एकादशी को हरिश्चरी एकादशी कहते हैं। 4 महीना चातुर्मास से होता है। इसके बाद 4 महीने बाद आज एकादशी है, कार्तिक शुक्ल एकादशी। इसके बोलते हैं हरि प्रबोधि एकादशी और देव थापनी एकादशी। इस एकादशी का बड़ा महत्व है कि हम सब देवताओं का जागरण होता है, भगवान विष्णु का मंगलमय आज उत्थापन होता है। आज एकादशी का जो व्रत करता है, उपवास करता है और दान पुण्य करता है, ब्राह्मणों को संतों को भगवान के निमित्त पूजन करता है, स्नान करता है, उसका बहुत बड़ा फल होता है। और पंच पुराण इत्यादि में जहाँ कार्तिक एकादशी का मत बताया है, वहाँ बताया गया है कि ये भगवान जो विष्णु शास्त्रों में कि आज भगवान का जो परम पवित्र वासर है, इस जो पंच तीर्थ में स्नान करता है और भगवान की उपासना करता है तुलसी पत्रों से और उनका दीपों से निराजन करता है। ब्राह्मण